झंडा वाला प्रकरण आप बता रहे हैं, क्या टिकैत जी वहाँ चढ़ने गए थे? क्या मैं और आप चढ़ने गए थे मेरे भाई? जो चढ़ने गया था वो तो मोदी जी का मित्र है, जिसने काम करवाया, उसकी तस्वीरें तो पूरे इंडिया में वायरल हैं। वो सनी देओल के मित्र हैं, पकड़िए उनको, लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, हर उस आदमी के ऊपर लगाइए जिन्होंने गलत किया, हर उस आदमी के ऊपर लगाइए। लेकिन अगर आप किसानों के ऊपर ये लांछन लगाना चाहते तो यहाँ हारेंगे, क्योंकि किसान अपना हक यहाँ लेकर ही मानेंगे, नहीं तो यह आंदोलन चलता रहेगा। उपद्रवी नहीं होते और उपद्रवी कभी किसान नहीं होते। पहली बात, 65 दिन से 100 लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। अगर उन्हें उपद्रव करना होता तो पहले समय कम था क्या? भारत न्यूज 91 इस वक्त गाजीपुर पर है। ये आप देख सकते हैं, ये चेहरा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये चेहरा वो चर्चित चेहरा है जो आप अक्सर सोशल मीडिया में देखते होंगे, और जिनका नाम में रेबल लगता है। रेबल इसका मतलब बागी, बागी का आता है। ये बागी शख्सियत यहाँ पर गाजीपुर में है। आखिर ये गाजीपुर धरना प्रदर्शन में ये बागी शख्सियत क्या कर रही है, आइए उनसे बात करते हैं। जी रेबल जी, आप गाजीपुर बॉर्डर आए हैं, किस वजह से आए? जरूर कोई वजह होगी जो यहाँ पर आप जहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, तभी आप पहुँचते हैं। जय हिंद जय भारत, मैं रेबल सदानंद पति पहले भी आपके मंच पे आ चुका हूँ मेरे भाई। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, मेरे फाउंडेशन का पूरा लक्ष्य केवल ये रहा, जहाँ भी बैड गवर्नेंस है वहाँ हम लोग मौजूद रहते हैं। अभी आप यहाँ के बैड गवर्नेंस कल रात से देख ही रहे, जिस तरीके से टिकैत साहब के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, डराने का, धमकाने का, लेकिन ये भूल गए कि किसान है, धरती पुत्र है, ना ये डरेंगे, ना ये थमेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। तो किसान आंदोलन को रेबल फाउंडेशन के 12 करोड़ लोगों का पूरा समर्थन आज मैं दे आया हूँ टिकैत जी को निजी तौर पर। जी सर, रात में धरना प्रदर्शन उठाने की पूरी कोशिश की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दिया गया था यहाँ पर, और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, और डीएम ने भी ऑर्डर दे दिया था कि ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द उठाया जाए। नई बात नहीं है, जब एक आंदोलन होगा तो उपद्रवी लोग भी घुसेंगे। ये तो सुरक्षा तंत्र का काम है, ये तो पुलिस के विभागों का काम है उनको रोकना, क्योंकि किसानों की सुरक्षा भी तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कोई नई बात नहीं हो रही है, ये किसान बिल वापस होंगे। और सरकार ने एक बात जिद डाल ली कि नहीं, किसान बिल वापस नहीं होगा, तो ठीक है भाई, इस बार आर पार की लड़ाई है, हमने तो पहले भी कह दी है, अब की बार किसान सरकार, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करेंगे, अब की बार किसान सरकार, सीधी सी बात। जी रेबल जी, 26 तारीख को ये जो वाकया हुआ था, 26 तारीख को स्ट्रीम मीडिया में जो है बोधी मीडिया का है, बोधी मीडिया में पूरा का पूरा किसानों को बदनाम करने की एक पूरी साजिश जो थी वो काम, वो लोग अपने कामयाब हो गए और पूरा देश को इसका यकीन दिलाने में भी कामयाब हो गए। इस चीज़ को आप किस तरह सफाई दे सकते? देखिए दो चीज़ें, आपका उत्तर एक जगह सही एक जगह गलत है। उन्होंने साजिश दिखाने का काम किया, ये सही है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि साजिशें विफल हो जाती है जब ईमानदार व्यक्तित्व जो है किसी काम के लिए निकल पड़ता है। टिकैत जी का जो परिवार है उन्होंने कुर्बानियां दी, ये आप भी जानते हैं, और आज हर किसान कुर्बानी दे रहा है। ये केवल टिकैत जी की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, कोई विचारधारा की बात नहीं, 135 करोड़ भारतीय जनमानस की हर व्यक्ति की बात है, क्योंकि हम में से हर कोई किसान परिवार से संबंध रखता है। रेबल जी, जिस वालों को किसानों ने मारा है ये भी स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो आखिर ये एक के बाद एक चीज़ें जो स्ट्रीम मीडिया में पूरा किसानों को बदनाम करने के दिखाया जा रहा है, और ये चीज़ें जो हुई है किस तरह सफाई दे पाएंगे देश को? देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, किसान उपद्रवी नहीं होते और उपद्रवी कभी किसान नहीं होते। पहली बात, 65 दिन से 100 लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। अगर उन्हें उपद्रव करना होता तो पहले समय कम था क्या? क्या पहले नहीं कर सकते थे? वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य कर रहे। जो झंडा वाला प्रकरण आप बता रहे हैं, क्या टिकैत जी वहाँ चढ़ने गए थे? क्या मैं और आप चढ़ने गए थे मेरे भाई? जो चढ़ने गया था वो तो मोदी जी का मित्र है, जिसने काम करवाया, उसकी तस्वीरें तो पूरे इंडिया में वायरल हैं। वो सनी देओल के मित्र हैं, पकड़िए उनको, लगाइए देशद्रोह का मुकदमा, हर उस आदमी के ऊपर लगाइए जिन्होंने गलत किया, हर उस आदमी के ऊपर लगाइए। लेकिन अगर आप किसानों के ऊपर ये लांछन लगाना चाहते तो यहाँ हारेंगे, क्योंकि किसान अपना हक यहाँ लेकर ही मानेंगे, नहीं तो यह आंदोलन चलता रहेगा।